सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। सो आज की वीडियो में हम कुछ इस टाइप की रील्स को एडिट करके बताएंगे। सो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, क्योंकि मैं इस टाइप के एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूँ। सो बिना वेस्टिंग अवर टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। सो इस वीडियो को एडिट करना बहुत ही ईजी है। आपको सिंपली क्या करना है, अपने मोबाइल में एक ऐप को डाउनलोड कर लेना है जिसका नाम है VN ऐप। इसको आपको डाउनलोड करके सिंपली ओपन कर लेना है। ओपन हो जाने के बाद कुछ इस टाइप के आपके सामने एक इंटरफेस शो होगा। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर प्लस आइकन पर टैप करके न्यू प्रोजेक्ट पर टैप कर लेना है। अब यहाँ पर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो क्लिप का लिंक मिलेगा, आपको सिंपली वहाँ पर से उसको डाउनलोड कर लेना है एंड यहाँ पर से ऐड कर लेना है। हमारी वीडियो यहाँ पर इंपोर्ट हो चुकी है। अब मैंने यहाँ पर आपको हमेशा बताया है, जब भी आप VN ऐप में किसी प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करते हैं, अपनी वीडियो को इंपोर्ट करते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, यहाँ पर लास्ट में एक 3 सेकंड की ब्लैक लेयर होती है जिस पर डायरेक्टेड बाय इनपुट टाइटल लिखा होता है, ठीक है। सो ये बेसिकली एक वाटर मार्क होता है। आपको इस क्लिप को सिंपली डिलीट कर लेना है। परफेक्ट। अब आपको क्या करना है, इस वीडियो का ऑडियो एक्सट्रैक्ट करना है, मतलब इस वीडियो से ऑडियो को अलग कर लेना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली वीडियो पर टैप करेंगे एंड राइट स्वाइप करके यहाँ पर एक ऑप्शन शो हो रहा होगा आपको, एक्सट्रैक्ट ऑडियो, इस पर टैप कर लेंगे। सो इससे हमारी जो वीडियो का साउंड है वो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल प्रोसेस है, अपने वीडियो में एक कट ऐड करना है एंड जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसको अपने वीडियो से रिप्लेस कर लेना है, ठीक है। सो ये वीडियो बहुत ही इजीली बन जाएगी, मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली वीडियो को जूम कर लेना है थोड़ा सा एंड यहाँ पर आ जाना है 7.40 सेकंड पर, ठीक है। यहाँ पर आकर आपको क्या करना है, सिंपली वीडियो पर टैप करके मेन्यू बार में यहाँ पर एक ऑप्शन शो हो रहा होगा स्प्लिट का, इस पर टैप कर लेना है। टैप करने के बाद आपकी वीडियो यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। अब जो ये फर्स्ट वाला पार्ट है इस पर टैप करके आपको रिप्लेस कर लेना है इसको अपनी वीडियो क्लिप से, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर अपनी क्लिप को यहाँ पर रिप्लेस कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 7.40 सेकंड की फर्स्ट वाली क्लिप है एंड देन यहाँ पर 16.13 सेकंड की सेकंड वाली क्लिप है, ठीक है। अब सिंपली आपको क्या करना है, अपनी जो फर्स्ट वाली क्लिप है इसमें एक टेक्स्ट ऐड करना है, ठीक है। सो टेक्स्ट को ऐड करने के लिए आपको सिंपली टेक्स्ट आइकन पर टैप कर लेना है एंड टॉप 3 ऑप्शन में से किसी भी एक टेक्स्ट को आप चूज कर सकते हैं। तो मैं सेकंड नंबर वाला चूज कर लेता हूँ एंड यहाँ पर अपना टेक्स्ट लिख लेता हूँ। परफेक्ट। सो हमने यहाँ पर अपना टेक्स्ट ऐड कर लिया है। मैंने यहाँ पर जो रील में टेक्स्ट था उसी को लिखा है, आप चाहें तो यहाँ पर कुछ और टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली फॉन्ट वाले आइकन पर टैप करके इसका फॉन्ट चेंज कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर कई सारे फॉन्ट्स अवेलेबल है, आप इनमें से किसी भी एक फॉन्ट को चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैं इसी वाले फॉन्ट को चूज कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, डबल ए वाले आइकन पर टैप करके इसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज या डिक्रीज कर लेना है अपने अकॉर्डिंग। मैं इसको 20 ही रख लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कलर वाले सर्कल पर टैप करना है एंड यहाँ पर आपको बैकग्राउंड ऐड कर लेना है, ठीक है। जो रील में यहाँ पर बैकग्राउंड था मैं उसी को यूज कर रहा हूँ व्हाइट कलर में एंड जो टेक्स्ट का कलर है उसे मैं ब्लैक कलर में ऑन कर लूंगा। सो यहाँ पर हमारा कुछ टेक्स्ट बनकर रेडी हो चुका है। जो बैकग्राउंड है इसके जो पैडिंग है मैं उसको और बढ़ा लेता हूँ, मतलब इसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ अराउंड 5 एंड रेडियस को बढ़ा लूंगा। इसके अलावा जो इसके एजेस हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे, मैं इसको अराउंड 15 कर लेता हूँ। सो हमारा टेक्स्ट बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं सिंपली यहाँ पर ओके का आइकन पर टैप करके यहाँ पर इसे सेट कर लेता हूँ अपने अकॉर्डिंग जहाँ पर मुझे इसको ऐड करना है। अब इसकी लेंथ को हमें क्या करना है, अपनी जो फर्स्ट वाली क्लिप है उतने तक यहाँ पर इंक्रीज कर लेना है एंड यहाँ। परफेक्ट। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, लास्ट में जो इन दोनों क्लिप्स के बीच में एक प्लस वाला आइकन है इस पर टैप करके यहाँ पर से ब्लैक पर टैप कर लेना है एंड इसकी जो ड्यूरेशन है उसको 0.5 सेकंड तक रखना है, देन ओके कर लेना है। तो आपकी वीडियो यहाँ पर कम्प्लीटली बनकर रेडी हो चुकी है। अब मैं आपको सिंपली इस वीडियो को प्ले करके दिखा देता हूँ। तो कुछ इस टाइप से आपकी वीडियो बनकर रेडी हो जाएगी। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। और अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ डाउट्स होते हैं तो आप सिंपली हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर भी DM कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।